मिठाइयों के एतबार से भी सीखता है। मैं समझता हूं कि ये जो फूड सिक्योरिटी है ये तो ओवरऑल नेशनल पैराडाइम ऑफ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर भी आती है और बड़ी अहमियत रखती है। जो कौमें अपने फूड को और फूड सोर्सेज को सिक्योर नहीं कर सकती वो परेशान रहती हैं। लिहाजा आपने देखा होगा जो कौमें अपना 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 गल्ला और अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करती हैं, वो दूसरी कौमों के अंदर इन्वेस्ट भी करती हैं। लोग तैयार होंगे कि आपके यहाँ आकर ज़मीन खरीद कर भी अपने आप को सिक्योर करें। हमारे पास जहाँ से हम आए तकरीबन 18.5% GDP से ताल्लुक़ एग्रीकल्चर का है और 43% उसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट इस तरफ आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, मगर एक सस्टेन डिक्लाइन है एग्रीकल्चर में। उसकी एक बड़ी वजह आपकी अपनी हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही हैं। मगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ती भी हैं तो आगे मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट दुनिया में अगर इन्फ्लेशन हुआ, कॉस्ट बढ़ती रही तो आदमी ये तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से उसको ओवरकम करता है। फैक्ट्रीज का भी यही हाल है कि अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पर गारमेंट्स भी बना रहे हैं और दुनिया में कीमतों में मुकाबला करना है तो वो अपनी एफिशिएंसीज बढ़ाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं विद द सेम कॉस्ट। और एग्रीकल्चर के अंदर तो बड़ा इम्कान है। आप सब लोगों ने इस बात का जिक्र किया, सारे स्पीकर्स ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी प्रोडक्टिविटी यील्ड पर एकड़ जो है वो कम होती गई, तो मे बी दैट्स द मेजर इशू। तो उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ मार्केट्स और मार्केट से एक्सेस। मैं समझता हूँ कि ज़माना जैसे बदल रहा है तो रोड्स के एतबार से पाकिस्तान ने तरक्की की, स्टोरेज के एतबार से आपने अब जिक्र करना शुरू किया है कि फार्मर ख़ुद भी स्टोरेज कर सके, या कोऑपरेटिव्स के एतबार से स्टोरेज बढ़े या किसी अंदाज से, क्योंकि फार्मर के ऊपर पास जो बेचैनी होती है बेचने के लिए, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता और स्टोर करे तो जिस अंदाज से स्टोर करते थे और जो मैंने देखा था, मैं भी, मेरे वालिद साहब की 200-250 एकड़ ज़मीन थी और मुझे जो चीज़ें ज़्यादा याद हों यही कि स्टोरेज किया और स्टोरेज में कभी चोरी हुई, कभी पैस ने खाया, मगर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा याद है कि सुबह मैं जाता था घरों के करीब वो ज़मीन थी तो ज़मीनों पर घूम घाम कर फिर जो दोपहर को मैं पेड़ के नीचे चारपाई पर सोता था तो वो आज तक मुझको याद है कि कितना सुकून उन चीज़ों से मिलता था। शायद इंसानियत इन चीज़ों को भूल गई है कि हर चीज़ प्रोडक्टिविटी से मुताल्लिक नहीं है। तो स्टोरेज कोल्ड चेन का जिक्र होता रहता है कि उसको इस्टेब्लिश करें। ये सिर्फ वही है कि अपना जो आपने प्रोड्यूस कर दिया अब उसको मार्केट तक पहुंचते पहुंचते आप उस जख़ीरे को रखें। देखिए अगर 10% भी लॉस हो गया, 5% भी लॉस हो गया तो ये तो आपका असल मुनाफे से गया ना। यानी 5% ऑफ द टोटल वैल्यू जो आपने प्रोड्यूस किया वो ज़रूर है कि लॉस हुआ, मगर आपके मुनाफे में सबसे ऊपर से वो निकल गया। इस एफिशिएंसी को मिसाल के तौर पर फिशरीज में कैसे हैंडल किया कि जो लॉन्चें बाहर जाती थीं उसमें जब वो मछली पकड़ती थी तो वो डंप करती रहती थी तो जो नीचे की मछली होती थी उसकी क्वालिटी उसके हर एतबार से बहुत ख़राब हो जाती थी। तो जैसे मुर्गियों के दरवे नहीं होते उस तरह से वो प्लास्टिक की जब चीज़ें आई तो कम से कम वो प्रिजर्व होने लगा। और फिर कोल्ड चेन इस्टेब्लिश कर लिया तो मजीद उसकी वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोड्यूस या ऑफ द कैच जो आपका है उसी से मामला बेहतर होने लगा। चौथी चीज़ जो मैं आपके सामने कह रहा था, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी गुजरूंगा, आपका वक्त कीमती है क्योंकि आप डिलिबरेट करेंगे, वो है पानी। अच्छा, पानी की एफिशिएंट यूज़ बड़ा अहम है, उसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर बगैर पानी के और बगैर धूप के तो चल ही नहीं सकती ना, और बगैर सीड के और बगैर पेस्टिसाइड्स के और बगैर यूरिया के तो कुछ, और फर्टिलाइजर के, तो 5-6 इसके फंडामेंटल्स हैं। उन फंडामेंटल के अंदर पानी की एफिशिएंट यूज़, फ्लड इरिगेशन से निकल कर, क्यों, क्या नतीजा ये है कि आप कम ज़मीन को ज़राअत के अंदर लाते हैं और एफिशिएंट प्रोडक्शन में लाते हैं जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं कि 6 फुट पानी यहाँ पर नीचे तक है और उधर 6 इंच के लिए यहाँ आपने 6 फुट पानी करना है तो वहाँ तक 6 इंच पहुँचे। तो फ्लड इरिगेशन से ग्रेजुअली आप यू हैव टू गो टूवर्ड्स स्प्रिंकलर इरिगेशन और सम अदर फॉर्म ऑफ इरिगेशन, वन। दूसरे ये कि मैं समझता हूँ कि आप पानी की कीमत देते हैं मगर प्राइसिंग ऑफ वाटर अगर होगा तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। खुद ही आप प्राइसिंग, चाहे कम्युनिटी प्राइसिंग करें, कुछ भी करें, मगर पानी बगैर प्राइसिंग के कंजर्वेशन नहीं होगा। कंजर्वेशन होगा बिजली का जब इसकी प्राइसिंग से मामला रिलेटेड है। आज आप इसकी प्राइसिंग हटा दीजिए तो नतीजा होगा कि बिजली का कंजम्पशन ऐसा करेंगे हम सब मिलकर, कोई कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में नहीं होगा। तो पानी की प्राइसिंग
बर्डन आपके ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए, जितना आप देते हैं मगर उसका यूजेज ऑफ वाटर के साथ कोई एक्चुअल लिंक नहीं होगा, तो देयर विल बी नो कंजर्वेशन। पानी के ऊपर बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। वो ममालिक जो जिनका पानी बहुत बड़ा इशू था, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और बहुत सारे प्रोसेसेस इस्तेमाल करके वो जनाब सरप्लस हैं वाटर के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस अब बढ़ता चला जा रहा है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है पानी का वो एग्रीकल्चर साइड है, लिहाजा अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी एफिशिएंसी में दे हैव टू लुक एट दैट। फिर जनाब पानी के बाद मैं आपसे जिक्र करूँगा कि सबसे बड़ा हमको सिंध दरिया के एतबार से, तारीख के अंदर सिविलाइजेशन के एतबार से, इसी दरिया से जो सिविलाइजेशन हुई थी वो आज तक दुनिया के अंदर हम याद करते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो बेस्ट, दुनिया के अंदर बेस्ट इरिगेटेड एरिया था, आर्टिफिशियल इरिगेटेड। अच्छा, उसके कुछ नुकसान भी हुए, सेम बढ़ा, मगर उसके फ़ायदे भी हैं कि पानी हर जगह, एक दरिया का पानी हर जगह पहुंचा दिया जाता है और सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो लिहाजा हमें उसके अंदर कैनाल लाइनिंग और ये सब चीज़ें अब काफ़ी प्रोग्रेस कर गई हैं, और उसी एतबार से हमें मज़ीद प्रोग्रेस करना पड़ेगी और करते हम चले जाएँगे। मैं जो बात आपसे मज़ीद आपसे आगे करना चाहता था वो है पेस्टिसाइड्स के एतबार से, सीड के एतबार से। पहली कॉटन के अंदर आपने ख़ुद जिक्र फरमाया कि हमारी प्रोग्रेस सीड प्रोडक्शन के अंदर अच्छी नहीं रही, और मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी है, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी जो सीड पर भी रिसर्च करती रही, और मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि इमेच्योर सीड भी मार्केट में आता रहा अंडर द टेबल, नतीजा ये हुआ कि सीड के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सीड लेबलिंग के हवाले से मुझे नहीं मालूम कि कानून है या नहीं है, बड़ा अहम है कि सीड क्या इस सीड में, इस बैग में है कौन सा सीड और कैसा है, क्योंकि फार्मर कन्फ्यूज्ड है कि क्या चीज़ वो ख़रीद रहा है, और उसको जब फसल आती है तब उसको अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर क्या मिलावट थी और क्या गड़बड़ था। एक बात, दूसरी बात ये कि आपके रिसर्च के एतबार से भी फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ सीड होना चाहिए। तो सनीफा में आप लोग वाकिफ़ होंगे, कॉटन के अंदर सीड प्रोडक्शन के अंदर भी काम कर रहा है, अपना इंडिजिनस सीड भी बनाना चाहता है, मगर आज भी जो मेरा उनसे कभी गुफ्तगू रहती है तो उसके अंदर वो ये महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें बाहर से कोई मॉडिफाइड सीड की फ़िलहाल ज़रूरत है, ताकि हमारा अपना सीड बनते बनते 6-7 साल लगेंगे। और सीड एक ऐसी चीज़ है जो लोग बाहर गए होंगे और अगर उन्होंने कोई जगह विजिट की होगी तो वो आपके साथ एक आदमी सिक्योरिटी का भी लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि आप झुक कर एक मुट्ठी लेकर जेब में रख लें, इट इज़ सो प्रेशस। तो लिहाजा इसके अंदर पाकिस्तान को इंसेक्ट रेजिस्टेंस सीड, पेस्टिसाइड्स के एतबार से अभी कॉटन में आप परेशान हो गए कि बोलवॉर्म जो था उसकी वजह से कोई जो पेस्टिसाइड्स आपके यहाँ अवेलेबल थी दे वर इनफेक्टिव, तो यू हैड टू इन अ क्राइसिस यू हैड टू इंपोर्ट जैपनीज पेस्टिसाइड टू बी एबल टू हैंडल दैट। तो अपना सीड डेवलपमेंट बेनता एंड रेजिस्टेंट टू पेस्ट सीड डेवलपमेंट होना चाहिए। फर्टिलाइजर यकीनन आपने गुफ्तगू कर ली और बड़ी अच्छी यहाँ पे की। मैं एक और चीज़ की इस तरफ आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ, और बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट और पैसे की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। एक तो टेलीफोन से ये मामला आसान हुआ बहुत सारी चीज़ों पर, इनफैक्ट इवन इन फिशिंग, जब वो याट आती है साहिल के करीब तो वो टेलीफोन से पता कर लेती है कि बेस्ट प्राइस उसको कहाँ मिलेगी। तो एग्रीकल्चर के अंदर आईटी का इन्फ्लुएंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी यहाँ तक बढ़ रहा है कि दे आर रोबोट्स विच आर बीइंग डेवलप्ड एंड रोबोटिक डेवलपमेंट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। रोबोट्स विच आर बीइंग डेवलप्ड जो खेत के अंदर चलेंगे और एक एक प्लांट के एतबार से आइडेंटिफाइड रखेंगे अपने मेमोरी के अंदर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एतबार से सॉइल के अंदर, पानी के एतबार से, मॉइस्चर के एतबार से सॉइल के अंदर, पेस्ट के एतबार से, ऑन अ सिंगल प्लांट दे हैव इनफ मेमोरी टू बी एबल टू लुक एट दैट। मेमोरी का भी कोई इशू नहीं अब। तो लिहाजा इस बात का इम्कान बढ़ता जाता है, जा रहा है कि आप एफिशिएंसी अपनी बढ़ाएं, और इसके अंदर जो दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है विच इज़
विच इज रिलेटेड मोर टू आर इंटेलेक्ट रादर देन आर फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, उसके अंदर हमें पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए। और इसी वजह से मैं आई एम हेडिंग द प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं उस एतबार से समझता हूँ कि एग्रीकल्चर का कॉम्पोनेंट जितना मैं देखता जाता हूँ बहुत बड़ा है। उसके बाद मैं जो बात करना चाहता हूँ वो क्रॉप सब्स्टिट्यूशन की बात करना चाहता हूँ। एक गवर्नमेंट्स ने एक अच्छे फैसले किए, और कुछ अच्छे फैसले ये किए कि मिसाल के तौर पर शुगर केन के लिए उन्होंने लिमिट कर दिया कि भाई शुगर केन यहाँ तक होगा और यहाँ नहीं होगा। क्रॉप सब्स्टिट्यूशन टूवर्ड्स मोर वैल्यू एडेड क्रॉप्स मेरे ख्याल से उसके नज़र में रखें। और खुसरो बख्तियार साहब, मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ कि आपका शुगर इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है, और मैं ये कहता हूँ कि इस बात को भी देखें कि शुगर केन के मुकाबले पर बीट रूट सब्स्टिट्यूशन विच इज़ लेस एक्सपेंसिव ऑन वाटर, इसके मुतालिक स्टडी करना चाहिए। ये इस हवाले से बताइए कि मैंने आइडेंटिफाई किया या प्रपोजल बता लिया भाई, मुझे नहीं मालूम। आज खबर बन गई है। अच्छा जी, मैं इस बात से भी खुश होता हूँ, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्री के अंदर जब मुझे खबर ये मिलती है कि ऑलिव्स के लिए पाकिस्तान बेहतरीन जगह है और ऑलिव्स के प्लांटेशन बड़े ज़ोरों पर है और जगह इतनी है कि स्पेन को आप ओवरटेक कर सकते हैं इंशाल्लाह अगर ऑलिव प्लांटेशन हो तो। वो वैल्यू एडिशन के हवाले से जो प्रोडक्ट, जो वैल्यू ज़मीन देती है किसी और चीज़ में अगर हम जाएँ तो उसके अंदर वी आर फॉर एग्ज़ाम्पल वेन वी एक्सपोर्ट राइस विच इज़ वेरी गुड, वी एक्सपोर्ट राइस बट वी आर एक्सपोर्टिंग आर वाटर ऑल्सो। तो वैल्यू एडिशन जब क्रॉप्स की हो तो हम वही पानी मुख्तलिफ चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब अली, मैं समझता हूँ कि एक तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं भी जाता हूँ और आजकल जब से मुझे सदारत की जिम्मेदारी दी गई तो मैं ये देखता हूँ, मुझे खुद परेशानी होती है कि यार आज मैं कोई कमेटी बनाऊँगा तो वो रिहैश करेगी सारी चीज़ों को, दोबारा देखेगी, तो जो पिछला हो चुका है उसको भी मैं देख लूँ। और हुआ बहुत है, यानी इस कौम ने रिसर्च की, कुछ किया, जैसा भी किया, मगर उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी कमिटीज़ बने उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें इश्यूज़ आइडेंटिफाई करें जैसे आज आप करेंगे इंशाल्लाह। और कोई नई चीज़ नहीं है, आप कभी कभी नई चीज़ की बात, प्रोपोर्शन तो बहुत कम होता है, प्रायोरिटीज़ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है कि ये 10 चीज़ें हैं, ये हमेशा, यानी जब भी आप कोई कमेटी बनाएंगे यही 10 चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी, मगर आप ये अपनी गुफ्तगू के अंदर और अपने फैसलों के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ सबसे अहम है, ये उसके बाद आएगी, ये उसके बाद आएगी। और क्यों ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अ कंट्री विच हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज मस्ट पुट इट्स मनी वेयर देयर इज़ अ फास्टेस्ट रिटर्न, और लो हैंगिंग फ्रूट को मैं समझता हूँ कि जो वो उसको आप इस तरह से इस्तेमाल करें। और मैंने सुना यह है कि किसान की आंख कान से ज़्यादा तेज़ होती है, जब वो देखता है कि बराबर की फील्ड के अंदर कितनी अच्छी यील्ड हुई है तब वो भागता है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कुछ फार्म्स हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलप किए जाएं जिसके अंदर ये सपोर्ट हो कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो जाए। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग हैं, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मिसाल के तौर पर तंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैं उनकी अच्छाइयों से भी वाकिफ़ हूँ, जो खामियाँ हैं उनसे भी वाकिफ़ हूँ, मगर मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर और आईटी के अंदर, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे टास्क फोर्स का कहा है कि ज़रा देख लो, तो उसके अंदर मैं ये भी जानता हूँ कि जो प्रोडक्ट निकलता है हमारा बीएस और एमएस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो मार्केट के अंदर उसकी खपत कम है। यानी अगर 30,000 निकलते हैं तो 24,000 की खपत नहीं होती, 6,000 की हो जाती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि ब्रिक एंड मॉर्टर इन्वेस्टमेंट जो इस मुल्क ने कर दिया, इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर हमारी प्रोडक्ट अपनी ही मार्केट में नहीं खपे तो इसका मतलब देयर इज एन एनोमली समवेयर। उस एनोमली को ओवरकम करने के लिए मैं हर इंस्टीट्यूशंस का, जिनका मैं चांसलर हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ कि मार्केट बेस्ड काम करना पड़ेगा, जो मार्केट को पहचानो। अच्छा, टंडोजाम से और फैसलाबाद से जो बीएस निकलेगा उसको काश्तकार और किसान जो 100 एकड़ वाला होगा वो ये कहेगा कि यार तुमसे ज़्यादा तो मेरे भतीजे को मालूम है, तुम्हें रखने का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा
इनको मैच करना पड़ेगा व्हाट द एग्रीकल्चर फार्मर्स आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो लिहाजा इनका एक कोऑपरेशन जो बड़ा अच्छा हुआ वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल ने एक कोऑपरेशन किया फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के साथ कि तुम जो 4 साल के अंदर प्रोड्यूस करोगे एग्रीकल्चरिस्ट उसके आखिरी 6 महीने तुम हमारी फील्ड्स में भेजो और जिसको जो जो यहाँ से फिर ग्रेजुएट करेगा उसको 100% एम्प्लॉयमेंट हम देंगे क्योंकि उसने ज़मीन पर काम किया होगा। तो उसकी साइंस, उसकी नॉलेज, उसके इम्तिहान और उसकी अपनी स्किल्स जो हैं वो किसान के साथ बैठकर जब डेवलप हो जाएंगी तो देन ही बिकम्स ऐसा कि वो किसान के साथ मिलकर काम करे और उस तरह से मार्केट और इंडस्ट्री मिलकर काम करे। जनाब आला, आपने फिशरीज़ का जिक्र किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नेशनल असेंबली के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसको मैं हेड करता था ऑन डिप्लीशन ऑफ फिशरी स्टॉक इन पाकिस्तान। उसकी मैंने रिपोर्ट खुद ड्राफ्ट की है, 20-30 पेजेस की है, उसको मैं आपको कॉपी भी उसकी भेज दूंगा। और वो रिपोर्ट हवा में नहीं बनी, वो सारी प्रोविंशियल फिशरीज डिपार्टमेंट्स के साथ 2 साल हमने मीटिंग्स की, हम कंसेंसस पर पहुंचे कि क्या चीज़ें करनी है। यू विल बी सरप्राइज के पाकिस्तान के फिशरी स्टॉक जो कोस्टल वाटर्स के अंदर 90% इज़ डिप्लीटेड, जिसमें से 40% रिकवर हम कर भी नहीं सकते, इतना डिप्लीशन हुआ है। उसके लिए क्या करना है, दिस इज़ नॉट द फोरम जिसके अंदर मैं इलेबोरेट करूँ, मैं उसके अंदर 15-20 हमने रिकमेंडेशंस की हैं जिसको जो यूनानिमिटी के साथ सारी प्रोविंसेस में आई। तो वो तो कोस्टल फिशरीज आपका डोमेन नहीं है फिलहाल, जो मैंने सुना यू नो द बैटल ऑफ क्या कहते हैं टफ मगर ये कि आप क्या इनलैंड फिशरीज जरूर है और इनलैंड फिशरीज के अंदर भी इस बात का इम्कान है। एनग्रो ने मिसाल के तौर पर यह बात शो की कि उनका जो पानी कोल के माइन के अंदर निकल रहा है उसमें टिलापिया, दे आर ग्रोइंग इट वेरी वेल। और इनलैंड फिशरीज के अंदर बहुत बड़ा इम्कान है प्रोग्रेस का और वहाँ से हम अपने कंट्री को फीड कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ फिगर कि अंदाजा हो ना कि व्हाट आर वी लुकिंग एट, वियतनाम एंड पाकिस्तान बोथ हैड अबाउट $300 million फॉर एक्सपोर्ट ऑन फिशरीज इन द ईयर 1999 एंड टुडे वियतनाम इज एट $10 billion ऑफ एक्सपोर्टिंग फिश एंड पाकिस्तान इज एट 500। फ्रॉम 300 टू 500 दे वेंट फ्रॉम 300 टू 10 billion और हमारा कोस्ट वियतनाम से बहुत बड़ा है। और लिहाजा फिश फार्मिंग, एक्वा कल्चर एंड फिश फार्मिंग हर अंदाज से देखें डूएबल्स है ना। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए, इट रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बेटर इंटेलेक्चुअल डिसीजन। और जो मेरा सवाल आपसे पहले था कि इतने सारे एग्रीकल्चरल असेंबली में भी थे तो मैं समझता हूँ द फ्लॉ वॉज इन मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, और कोई फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आता। लिहाजा अब कम से कम ऐसा हो कि हम इसके ऊपर सही डिसीजंस करें। आपने जिक्र किया इस बात का जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सपोर्ट प्राइस, मैं समझता हूँ कि अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे तो ये इंटरलिंक पर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो यू मे नॉट नीड अ सपोर्ट प्राइस डिस्पाइट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर वही यील्ड आपने कॉटन के हवाले से बयान फरमाया, सबसे ज़्यादा जनाब ऑस्ट्रेलिया पर एकर यील्ड पर हेक्टेयर है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तो राइट डिसीशंस अगर कर लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर ये बैटल के जी गवर्नमेंट इंश्योर करे सारी चीज़ों को, मार्केट के अंदर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइसेस की शायद इंशाल्लाह ज़रूरत कम पड़ जाए, बट दैट इज़ वेयर द होल थिंग विल स्टार्ट। अच्छा, इसके अंदर जैसे जैसे द लास्ट थिंग विच आई नीड टू टेल यू इज़ ये प्लानिंग बड़ी अहम है। प्लानिंग आप मौजूदा नॉलेज से करें, सेटेलाइट फोटोग्राफी से करें, बहुत सारी चीज़ों के अपने तजुर्बे की बुनियाद पर करें। और अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस के अंदर, यूसुफ के अंदर ये हज़रत यूसुफ को वो बशारत दी कि 7 कोपले दिखाए बड़े अच्छे फर्टाइल और 7 दिखाए बिल्कुल ड्राई थे, और उससे ये कि जी 7 साल तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, तुम उसको सेव करना, तो बाकी 7 साल जब कहत पड़ेगा तो तुम इसको इस्तेमाल करना। दिस इज़ ऑल प्लानिंग, डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग व्हाट इज़ पॉसिबल। और आजकल फोरकास्ट करना आसान है मगर ये जिम्मेदारी जो है ये अब स्टेट के पास है कि उसको अंडरस्टैंड करे कि व्हाट इज़ हैपनिंग और उसके एतबार से सोल्यूशंस की तरफ अपने आप को ड्राइव करे। आई विश यू गुड लक बिकॉज पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर,
पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी इज द प्राइमरी सिक्योरिटी. पाकिस्तान का प्रॉमिस व्हेन इट वांट्स टू लिफ्ट अप पीपल फ्रॉम पावर्टी इज कम से कम फूड के एतबार से, न्यूट्रिशन के एतबार से, सेहत के एतबार से. जब हम अपनी कौम का ख्याल कर लेंगे उसके बाद फिर एजुकेशन और बाकी दूसरी चीज़ें भी अहमियत अख्तियार करती हैं. मुबारकबाद जनाब आपको. And the deliberations which come out are very important for policy planners like these and all those leaders sitting in front. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ज़राअत पर कौमी मुकालमे से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है. माजी की गलतियों से सीख कर ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार कम क्यों हुई. ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के मौसर इस्तेमाल का तरीकाकार वज़ा करना होगा. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि खुशी है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर जैतून काश्त की जा रही है. पाकिस्तान